अक्सर आपने देखा होगा कि पानी में, बाढ़ में और कुछ परेशानी में फंसने वाले लोगों को बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने ऐसी घटनाएं घटने पर आपदा प्रबंधन की टीम को सूचना देने के साथ किस तरह से उनका बचाव किया जाता है इस पर आज डेमो किया। दो व्यक्तियों के ताप्ती नदी के राजघाट पर डूबने की सूचना मिली, वैसे ही होमगार्ड के जवान पानी में उतरे और उनको बचाने का कार्य शुरू कर दिया। यह पूरा डेमो जिला प्रशासन के सभी अफसरों ने देखा और इस डेमो के दौरान जो कमियां दिखी उनको पूरा करने के कर्मचारियों को निर्देश दिए। लोकल 18 की टीम ने खास बातचीत में जिला होमगार्ड कमांडेंट मीनाक्षी चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर आज होमगार्ड आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर दो लोगों के नहाने के दौरान डूबने की सूचना पर डेमो कराया गया। यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी इस डेमो में लगे। उन्होंने नदी में नहाने के दौरान डूबने वाले लोगों को बचाया और किस तरह से अस्पताल तक पहुँचाना है और क्या क्या सावधानी रखना है इस पर डेमो किया, जिसके बाद आगजनी की घटना तो वही बिल्डिंगों में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाता है, तो वही नदी में नहाने के दौरान डूबने वालों को कैसे बचाया जाता है इस पर भी डेमो किया गया। 2 घंटे तक यह डेमो चला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतरसिया कनेस ने भी डेमो में शामिल हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि पानी के पास जाने से बचे, बरसात का समय शुरू हो गया है, ऐसे में घटना दुर्घटनाएं हो सकती है। आज हमने 4-5 तरह के डेमो किए हैं, जिसमें हमने ड्राई रेस्क्यू और बोट के माध्यम से रेस्क्यू, हेड टू चिन टेक्निक का हेड एंड चिन टू टेक्निक का प्रयोग कर जो डेमो वो दिया है, और लगभग 60 फीट ऊंची बिल्डिंग से भूकंप अगर आया है या आग लगी है तो हताहतों को कैसे राहत पहुंचाई जाएगी उसका डेमो हमने दिया है। तो इस क्रम में यहाँ पर इस साल EOC, DRC और QRT तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से हम पब्लिक को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।